LIC असिस्टेंट प्रीलिम्स डिवीजन वाइव का टॉप रिजल्ट डेट। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग सक्सेस में। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक्स कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और इसी के साथ टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप्स को भी ज्वाइन कीजिए और एनअकैडमी भी जाके फॉलो कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, जो LIC असिस्टेंट प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ है उसके डिवीजन वाइज कट ऑफ रहेगी या जोन वाइज कट ऑफ रहेगी ये भी बात अपने करेंगे, कट ऑफ कितनी रहेगी ये भी बात करेंगे, सेफ अटेम्प्ट क्या था आपका, रिजल्ट कब तक आएगा, तो पूरी डिटेल डिस्कशन होगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट्स की। रिजल्ट्स की अगर बात करें तो रिजल्ट जो आपका रहेगा वो डिवीजन वाइज रहेगा, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, जब आपके नोटिफिकेशन आया तो हर एक डिवीजन का अलग अलग नोटिफिकेशन था। जैसे मान लीजिए उदयपुर डिवीजन, बीकानेर डिवीजन और जयपुर डिवीजन, इन दोनों डिवीजन की बात करें, तीन डिवीजन में कंपेरिजन करें तो जयपुर का नोटिफिकेशन अलग था, वैकेंसीज की अलग थी, जनरल की अलग थी, EW की अलग थी, उदयपुर की अलग थी, बीकानेर जोन की अलग थी, यानी इन तीनों जोन्स की वैकेंसी भी अलग थी। तो इन तीनों जोन्स के जो अलग अलग PDFs के नोटिफिकेशन आए थे तो इनकी जो कट ऑफ रहेगी वो भी अलग अलग डिवीजन वाइज रहेगी, इनका रिजल्ट्स जो आएगा वो भी अलग अलग आपको PDF में देखने को मिलेगा। यानी जयपुर डिवीजन है तो जयपुर डिवीजन की अलग से PDF आएगी, उसके अंदर आपके रोल नंबर्स होंगे, यानी कौन कौन जो सिलेक्टेड हुए हैं। यानी प्री के अंदर अगर बात की जाए तो लगभग 20 गुना लेंगे। तो जनरल की बात करें, जयपुर डिवीजन में 84 वैकेंसी है तो इसका 20 गुना स्टूडेंट वो जनरल से जयपुर डिवीजन से अकेले से पास करेंगे। तो ये बात लगभग श्योर हो चुकी है कि जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो डिवीजन वाइज रहने वाली है, ना कि जोन वाइज। अब डिवीजन वाइज हर एक डिवीजन का कट ऑफ थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि डिवीज़न बहुत सारे डिवीज़न बन रहे हैं इसके अंदर। क्योंकि अगर जोन वाइज होती तो नॉर्थ साउथ जोन अपने करके कट ऑफ बता देते कि इस जोन की इतनी कट ऑफ जाने वाली है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट से अपने पोल भी करवा लेते। अब मैक्सिमम मैंने पोल भी करवाए हैं, पर उस पोल से मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कहने वाला पोल के माध्यम से, क्योंकि पोल बहुत सारे लोग वहाँ पर झूठे क्लिक कर देते हैं, इनको होते अटैम्प्ट कम है, लगा देते ज़्यादा, कोई तुक्के मार के आया है। अब इसमें अटैम्प्ट देखिए, लगभग स्टूडेंट्स के मैंने देखा है कि 60+ अटैम्प्ट आ रहे हैं। तो 60+ ये नहीं है कि आप किसी को घबराने की जरूरत नहीं है कि 60+ अटैम्प्ट है, किसी स्टूडेंट के अगर 55+ एक्यूरेसी के साथ है तो वो भी इसी सिलेक्शन की दौड़ में है अभी भी, और जिसके 60+ है वो सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो सकता है। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न आपको देखने को मिला हुआ RRBPO मेंस के अंदर या RRBPO प्रीलिम्स के अंदर आपने देखने को मिला हुआ, IBSPO प्रीलिम्स के अंदर आपने देखा होगा, वही चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। क्योंकि एक्यूरेसी सबसे बड़ा मैटर करती है, ये नहीं है कि अगर आपका यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप जितने करके आए हो उतने आपके सही होंगे, मार्क्स आपको मिल जाएंगे, तो वो यहाँ पे कुछ भी नहीं करता। हाँ, ये शोर है कि अगर आपके एक दो क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपके मार्क्स कम नहीं होंगे, ये बात जरूर है, पर ये बात नहीं है कि आप तुक्के लगा के प्रेडिक्शन करके रेंडमली लगा के आ रहे हो तो उससे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे आपके। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो मैथ रीजनिंग के अंदर तुक्के लगाए उन्होंने और सभी ने 60+ किए हैं। आपको पता ही होगा, आपके जो भी नियर बाई स्टूडेंट्स हैं उनसे आप पता कर सकते हो कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मैथ रीजनिंग के अंदर भी तुक्के लगाए हैं। यानी बहुत सारे लोगों का यह फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट था तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे तुक्के लगाए हैं, पर मैक्सिमम जो मेजोरिटी है वो ओल्ड स्टूडेंट्स की है, तो उन्होंने वहाँ पर प्रेडिक्शन नहीं लगाया इसमें, उन्होंने एग्जैक्ट क्वेश्चन किए हैं और उनके क्वेश्चन जो है वो 60+ या 60 के अराउंड क्वेश्चन जरूर है उनके। तो कहीं ना कहीं अगर कट ऑफ की बात की जाए तो मैं सभी जोन्स की बात नहीं करता, मैं एक बता देता हूँ कि आपकी जोन वाइज आप अपना प्रेडिक्ट या जो भी पोल करवाना है आप जोन वाइज अपना ग्रुप में भी आके करवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब मान लीजिए किसी हाईएस्ट जोन की बात करते हैं, जयपुर जोन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो कट ऑफ रहने के चांसेस है, जयपुर जोन की बात करें, ये कट ऑफ आपके 55 से 62 के अराउंड रहेगी, इससे ज़्यादा यहाँ पे कट ऑफ नहीं जाएगी। यहाँ पे चाहे स्टूडेंट ने 70 अटैम्प्ट करके आए हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो यही रहने वाली है, 62 से 63 एक हाईएस्ट नंबर है किसी भी जोन का, किसी भी जोन का 62 से 63 एक हाईएस्ट नंबर है, इससे ऊपर किसी भी जोन की कट ऑफ नहीं जाएगी। और 51 एक लोएस्ट नंबर है, 51 लोएस्ट नंबर है, हाईएस्ट नंबर 62, इन्हीं के बीच आपकी कट ऑफ रहेगी हर एक जोन की, 51 से 63 के बीच में आपकी हर एक जोन की कट ऑफ रहेगी। अब अलग अलग जोन के वाइज से हिसाब से कट ऑफ नहीं बता सकते, क्योंकि जोन बहुत सारे, जोन का मैं सॉरी डिवीजन बहुत सारे हैं, तो डिवीजन वाइज कट ऑफ जाएगी ना कि जोन वाइज। अगर अब थोड़ा सा एक लॉजिक देखिए कि जोन वाइज कट ऑफ क्यों नहीं जाएगी। देखिए, जोन वाइज अगर कट ऑफ जानी होती, नॉर्थ जोन का नोटिफिकेशन सिर्फ एक किया था, उसमें नॉर्थ जोन की वैकेंसी जो थी ना कि जयपुर डिवीजन की वैकेंसी जो थी। अब जयपुर डिवीजन की वैकेंसी दी हुई है, वहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाई अलग है, वहाँ पर भी सुना स्टूडेंट लेने, उनका लेवल अलग है। अब जिनों का जिनका बीकानेर है उनका लेवल अलग है, जिनका उदयपुर है इनका लेवल अलग है। तो यानी मान लीजिए किसी का बठिंडा एग्जाम था, किसी का हिसार एग्जाम था, किसी का जम्मू कश्मीर एग्जाम था, तो उन सभी का अलग अलग लेवल है, अलग अलग स्टूडेंट्स वहाँ पे अप्लाई हुए हैं और अलग अलग अटैम्प्ट्स है और अलग अलग वैकेंसीज है। तो हर एक डिवीज़न को अगर वो करना चाहेंगे कि हर एक डिवीज़न को एक समान कर दिया जाए तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पहले तो शिफ्ट्स को नॉर्मलाइज किया जाएगा कि दो दिन में शिफ्ट जितने भी हार्ड एग्जामिनेशन था उनको नॉर्मलाइज करके जो ईजी वाले थे उनके बराबर किया जाएगा। तो ये एक बहुत लेंथी, मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि पहले
शिफ्ट को इक्वल करो नॉर्मलाइजेशन लगा के, फिर पूरे पूरे के सारे के सारे नॉर्थ जोन के डिविजन्स को इक्वल करो नॉर्मलाइजेशन लगा के, और फिर 20 गुना स्टूडेंट हर एक डिवीजन से भी पास करो, तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है। इसलिए जो कटॉप आपकी रहेगी वो डिवीजन वाइज रहेगी, ये एक ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं कह सकते अपने, क्योंकि LIC ने ऐसा कुछ भी वहाँ पे नहीं डाला कि मैं कटॉप लो डिवीजन वाइज दूंगा या जोन वाइज दिया जाएगा। पर जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो यही है कि डिवीजन वाइज आपकी कटॉप रहेगी, क्योंकि आप देख सकते हो जो भी चीज़ें मैंने बताई है वो सिर्फ और सिर्फ डिवीजन वाइज ही आपकी वेरी करती है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका डिवीजन वाइज ही आया था अलग से। तो ये आपके कट ऑफ की बात होगी कि जयपुर डिवीजन की कट ऑफ मैंने आपको बता दी है कि 55 से 62 के बीच में जयपुर बीकानेर उदयपुर डिवीजन की कट ऑफ रहेगी, राजस्थान की मैंने बता दी है। अलग डिवीजन जो भी आपके हैं पंजाब वगैरह, तो यहाँ पे यही कट ऑफ रहने के मैक्सिमम चांस है 55 से 62 के बीच। अगर किसी डिवीजन के अंदर बहुत कम स्टूडेंट अप्लाई हुए हैं, वहाँ पे वैकेंसीज कम है, या स्टूडेंट कम अप्लाई हुए हैं वैकेंसी ज़्यादा है, तो वहाँ पे कट ऑफ जो है फिर वो आपकी 51 के अराउंड रहेगी। अब रिजल्ट डेट की बात करते हैं कि इसका रिजल्ट कब तक आने वाला है। देखिए ऑफिशियली अगर बात किया तो LIC की साइट पे मेंस एग्जामिनेशन की डेट उन्होंने नहीं दी हुई, ना ही उन्होंने कुछ रिजल्ट का बताया हुआ। पर LIC के जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं इस साल, अप्रॉक्सीमेट आप मान के चलिए इस साल अगले LIC के जो भी WO का एग्जामिनेशन हुआ है, ADU का एग्जामिनेशन हुआ है, तो उनके जो रिजल्ट रहे हैं कुछ ऐसा ही सिनेरियो यहाँ पे देखने को अपने को मिलेगा। तो रिजल्ट जो उनका रहा था वो उनका रिजल्ट लगभग जो एग्जामिनेशन फ्री हुआ उसके 30 दिन के अंदर उनका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था फ्री का। तो अपने मान के चलते हैं कि इसका जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट है वो 1 दिसंबर से पहले पहले आपका LIC असिस्टेंट का रिजल्ट जो 1 दिसंबर से पहले पहले आपका साइट पे पोस्ट हो जाएगा, यानी PDF आती है इसकी, तो PDF आपको मिल जाएगी। जैसे ही आपकी PDF डिक्लेयर होगी तो अपने एक बार फिर से यहीं पे आएंगे और डिस्कस करेंगे कि किन किन सिलेक्शन हो रहा है और कौन कौन स्टूडेंट अंदर जा रहा है। और इसी की तरह अगर आपको ये कट ऑफ अथॉरिटी नहीं लगती है तो आप पहले के अपने वीडियोस देखिए, SBA क्लरिकल की कट ऑफ लगभग सेम जो अपनों ने एक्सपेक्टेड की थी उसी के अराउंड रही है। RRBPO मेंस की कट ऑफ लगभग जो एक्सपेक्टेड अपनों की थी, वीडियोज़ बनाया हुआ है उसी के सेम रही है। अब SBA क्लर्क और RRBPO की कट ऑफ का वीडियो भी मैं डाल दूंगा कि एग्जैक्ट कट ऑफ क्या रही है, और अपनी जो हमने डिस्कस की थी कट ऑफ सर यहाँ इसके अराउंड रहनी है तो उससे कितना ज़्यादा डिफर है वो देखिए। आप 4 या 5 नंबर का मैंने बोला था वही डिफरेंस रह रहा है, उससे ज़्यादा कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक आधे स्टेट की मैं बोल नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम रह गई है और बहुत ज़्यादा ज़्यादा भी जा सकती है, यानी एक दो स्टेट के अंदर ऐसा हो सकता है, पर मैक्सिमम जो है वो कट ऑफ लगभग जो हमने एक्सपेक्टेड की थी वो सेम ही रही है। अब इसके मेंस के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि LIC असिस्टेंट मेंस के अंदर क्या कुछ पूछा जाएगा। प्री के अंदर बता दूं तो मैथ ओरिजिन की कट ऑफ आपकी बनेगी हिंदी और इंग्लिश, जो आपकी सिर्फ और सिर्फ क्वालीफाई हुआ है, और उनके अंदर 12-12 नंबर आपको लेने हैं हिंदी और मैथ, सॉरी हिंदी और इंग्लिश के अंदर आपको 12-12 नंबर लेके आने, दोनों में से कोई भी एक जो आपने सेलेक्ट किया था। और एक जो सबसे बड़ा इशू आया था वहाँ पे स्टूडेंट्स कब आया था सर, हिंदी अटैम्प्ट करने के लिए या इंग्लिश अटैम्प्ट करने के लिए, तो वहाँ पे 2 ऑप्शन थे, आप बॉक्स बने हुए थे। अगर आप जिस बॉक्स में क्लिक करो, मान लीजिए इंग्लिश वाला बॉक्स है, ये हिंदी वाला बॉक्स है, अगर आप इंग्लिश वाले बॉक्स पर क्लिक करो तो इंग्लिश लैंग्वेज आपकी खुलेगी, अगर हिंदी वाले पे करोगे तो हिंदी वाली लैंग्वेज आपकी खुलेगी। तो RRBPO मेंस जिन्होंने दिया था उनको तो ये सारी चीज़ें पता थी, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता था वहाँ पे, पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको दिक्कतें आई थी और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। फिर भी वहाँ पे जो भी एनविलेजिलेटर वगैरह थे सेंटर पे, उन्होंने ये चीज़ें करवा दी थी, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। उनका टाइम जरूर वेस्ट हुआ 4-5 मिनट बहुत सारे स्टूडेंट्स का, कितने स्टूडेंट का टाइम वेस्ट हुआ वो कमेंट करके यहाँ पे बताए, ताकि मेंस की स्ट्रेटेजी अपने अच्छे से बता दें ताकि स्टूडेंट्स को दिक्कत ना आए। देखिए कुछ एक स्टेट मेंस के अंदर ऐसे हैं, जयपुर मान लीजिए, अपने बीकानेर मान लीजिए, उदयपुर, इनके अंदर क्या क्या हिंदी और इंग्लिश दोनों करनी पड़ेगी आपको मेंस के अंदर, हिंदी और इंग्लिश दोनों कंपलसरी है। यहाँ पे ये नहीं है कि आप सिर्फ इंग्लिश करके आ रहे हो या सिर्फ हिंदी करके आ रहे हो, दोनों ही करनी पड़ेगी मेंस एग्जामिनेशन के अंदर। प्री के अंदर सिर्फ एक लैंग्वेज आप कर सकते थे, हिंदी या इंग्लिश में से एक आपको सेलेक्ट करना था, पर मेंस के अंदर मैं बता दूं ये दोनों लैंग्वेजेस आपको आएगी और दोनों के दोनों आपको करनी है, वहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखें, कहीं आप वहाँ पे एक ही करके आ जाए, सर हमने प्री में एक किया तो वहाँ पे भी एक करते हैं, तो ऐसा नहीं करना, आपको दोनों करनी है। और मेंस के लिए आपको हिंदी प्रिपेयर करनी पड़ेगी, इंग्लिश प्रिपेयर करनी पड़ेगी, इसके लिए अलग से इंडिविजुअल वीडियो बहुत जल्द मैं डाल दूंगा कि क्या कुछ पढ़ना है मेंस के लिए, क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे आएगी जनरल अवेयरनेस की, मैथ की, रीजनिंग की, तो वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपको डाल दूंगा। तो आप बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पे कोई भी आपका पर्सनली जो भी डाउट्स है तो टेलीग्राम ग्रुप में अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैं वहाँ पे डाउट क्लियर करता रहा हूँ, डिस्कशन करता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को फायदा हो रहा है उस चीज़ से कि सर हमारा ये डाउट है, हम पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं या बार बार हम फेल हो रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है, तो वो सारी चीज़ें अपने टेलीग्राम ग्रुप पर होती है। और इसी के साथ आप एनकेडमी पे जाके रीजनिंग के जितने भी कोर्सेज देख लीजिए, RRBPO मेंस के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट के 24+ मार्क्स आए हैं रीजनिंग के, जितनी भी पजल्स वगैरह उन्होंने फॉलो किए अपने चैनल्स की, तो वो एक बहुत अच्छा उनको ग्रैप मिला है। और इसी के साथ जिन्होंने सिलोग्स के न्यू टॉपिक सिलोग्स आपके LIC असिस्टेंट में जरूर पूछे जाएंगे, न्यू वाले जो सिलोग है वो जरूर आएंगे आपके प्रीलिम्स के अंदर, तो नहीं आए थे किसी किसी सब्जेक्ट में आए होंगे, पर मेंस के अंदर आपके जरूर देखने को मिलेगी, तो आप
जरूर जरूर उस वीडियो को देखिए, और उस वीडियो को देखने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अनअकैडमी का, और आप रमेश मिश्रा एजुकेटर को फॉलो करके भी जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, और अब मेंस की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए आज से, जनरल अवेयरनेस वगैरह। तो उस पर वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ मैं, तो आप चैनल के साथ बने रहोगे तो आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है, बहुत सारी नई चीज़ें आपको, और जो भी अपडेट आती है वो आपको मिलती रहेगी। यहाँ पे बिल्कुल कॉस्ट नहीं है, यहाँ पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें आपको मिल रही है। और अपने बहुत जल्द यहाँ पे जो मैथ रीजनिंग इंग्लिश वगैरह जो भी है वो उसके कोर्सेज भी लॉन्च करने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे चैनल का। बिल्कुल फ्री आपको कोर्सेज दिए जाएंगे, एकदम बेसिक टू हाई आपको बिल्कुल फ्री कोर्सेज दिए जाएंगे, उनके लिए कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाएगी। तो आप इस चैनल को बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए स्टूडेंट्स के साथ, ताकि आपको आने वाले टाइम में और ज़्यादा फायदा हो और आप जल्दी से जल्दी जॉब आपकी लग जाए। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।